पुनर्वास के ऊपर एक ऐसी संस्था बनी है, वो है DDRWA। DDRWA एक ऐसी संस्था है जो पूरे गौतम बुद्ध नगर के जितने भी RW हैं उन पर नज़र रखेगी कि आखिरकार नोएडा के सेक्टरों में किस तरह से विकास किया जा रहा है और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि NP सिंह को काफ़ी जो है पुनर्वा में पूर्व जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसके बाद जो है अब DDRWA के चेयरमैन भी हैं। अब इनका अनुमान है कि अब पूरे गौतम बुद्ध नगर में जितने भी RW हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आखिरकार एक छोटा नोएडा नहीं, अब गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में विलेजेस भी आते हैं और गौतम बुद्ध नगर में बहुत सेक्टर्स भी हैं जो काफ़ी डेवलप नहीं हुए। अब उनके डेवलप को लेकर जो है NP सिंह ने एक कमान अपने हाथ में लिए हैं और वो एक DDRWA की संस्था एक बनाकर आज जो है NP सिंह जो है पूरा पैनल जो DDRWA का जो पैनल है वो सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त भी है। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या समस्या लेके आज सिटी मजिस्ट्रेट से लेंगे और वहीं आने वाली जो नया वर्ष आने वाला है और जिस तरह से दिल्ली में जो बवाल चल रहा है नागरिकता कानून को लेकर जो है बवाल चल रहा है, तो वहीं इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है आप शांति के लिए यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने आए हैं और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो क्या किस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। देखिए DDRWA डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पूरे गौतम बुद्ध नगर को रिप्रेजेंट करती है। सभी RW हमारे सदस्य हैं, सभी RW को साथ लेकर हम लोग चलते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा ज़िला बिल्कुल शांत रहे, सुरक्षित रहे, विकासशील रहे। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं पर भी किसी तरह का विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो। हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिलने इसलिए आए हैं कि हमारे सभी RW के लोग आपके साथ हैं, जहां जिस तरह से आप अपने सहयोग में हमें साथ ले जाना चाहते हैं, हम शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन के साथ खड़े होंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि इस शहर में, इस ज़िले में, इस गांव के अंदर कहीं भी कोई ऐसी कोई सोच लेकर कोई इस तरह का उपद्रव ना करे कि जिससे शांति व्यवस्था ख़राब हो। तो हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम सब RW के जितने भी हमारे सम्मानित अध्यक्ष महासचिव हैं वो अपने अपने सेक्टरों के शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। वो अपने सेक्टर में जाएं, अपने लोगों को समझाएं और ये बात करें कि कोई भी अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उनके साथ नहीं होंगे, हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में हैं। इस ज़िले के अंदर कहीं पर भी किसी तरह की शांति व्यवस्था में कोई विरोध पैदा ना हो, इसके लिए हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिलने के लिए आए हैं। सर, ये तो रही बात अलग, स्वच्छ सर्वेक्षण का मामला चल रहा है, प्राधिकरण जो है काफ़ी ध्यान भी दे रहा है, पर लेकिन ये कंपोस्ट मशीन की बात की, जो किट बांटी जा रही है, तो अधिकतर देखा जाएगा कि सेक्टरों में यूज़ हो भी रहा है या नहीं। देखिए, सफाई व्यवस्था नो डाउट पहले से अच्छी हुई है शहर की और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कंपोस्ट की जो किट बांटी जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका सही तरह से कहीं प्रयोग किया जा रहा है। उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा और वो सक्सेसफुल है भी नहीं। लेकिन जो सेक्टरों में, जिन सेक्टरों में कंपोस्ट की मशीनें लगाई गई हैं वो ठीक से चलाई जा रही हैं, तो वो सक्सेसफुल है, उनका लाभ है। और मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक सेक्टर में कंपोस्ट मशीन लगाई जानी चाहिए, नोएडा प्राधिकरण के खर्चे पर लगाई जानी चाहिए, नोएडा प्राधिकरण को उनका बिजली का बिल भी देना चाहिए और उनको ठीक तरह से मेंटेन करना चाहिए। इस किट के चलाने से किट से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पुनर्वा ने ये कहा, नोएडा प्राधिकरण का ये कहना था कि पुनर्वा जो है किट बंटवाएगा, RW के लोगों को जागरूक किया जाएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं पुनर्वा डाउन हो रहा है और जिस जो किट बांटी जा रही हैं वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग उसी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरेशन डाउन हो रहा है। पुनर्वा इस शहर की एक बहुत ही सम्मानित संस्था है और फेडरेशन ऑफ नोएडा RW की जिम्मेदारी है इस शहर को ठीक से बनाए रखने की, यहाँ के विकास को करने की, लोगों के साथ मिलकर चलने की। तो पुनर्वा भी को ठीक काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो ठीक काम करेगी। मैं उसके बारे में कोई ऐसा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम वचनबद्ध हैं कि हम पूरे ज़िले को ठीक से डेवलप करें, पूरे ज़िले में ठीक से काम करें और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। सर, आपका एक कहना था जब आप पुनर्वा में चेयरमैन थे कि पूरे सेक्टर में CCTV कैमरे होने चाहिए, पर अधिकतर कुछ सेक्टरों में CCTV कैमरे लगे, पर लेकिन अब देखा जाए तो CCTV कैमरे का इतना काम नहीं हो रहा। देखिए, हम सभी RW के सम्मानित अध्यक्ष प्रधान खड़े हुए हैं और हम सब लोगों ने अपने अपने सेक्टर में कैमरे लगाए हैं। बहुत सारे सेक्टर अभी भी कुछ ऐसे रहते हैं जहां फंड की कमी के वजह से कैमरे नहीं लगे हैं
तो मैं तो चाहता हूं कि जहां फंड की कमी के वजह से नहीं लगे हैं, वहां हमारे प्रशासन को, नोडा अथॉरिटी को कहीं से भी सीएसआर फंड लेकर उनको लगवाया जाना चाहिए और पूरा नोडा शहर ही नहीं पूरे ज़िले को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि आखिरकार जो समस्या है वो समस्या का निस्तारण करने से ही उसका समाधान होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी थी अभी तक नहीं हो पाई। वहीं फ़िलहाल जो है अब DDRWA अब इस चीज़ को समझ चुका है और वहीं अब तर्ज पे वो काम करने लगा है कि आखिरकार जितनी भी RWO की समस्या हो रही हैं उनकी आवाज़ जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तक जो है आवाज़ पहुँचाई जाए, जिससे कि उस समस्या का निस्तारण हो सके।